प्रदेश में कोरोना संक्रमण लगातार बढ़ रहा है, इसे देखते हुए सरकार ने कोरोना कर्फ्यू भी बढ़ा दिया है। इसके बढ़ते ही पुलिस ने भी कमर कस ली है, अब शहर में और सख्ती बढ़ा दी है। रविवार को शाम ढलते ही पुलिस ने हर चौक चौराहे सड़कों पर तारों और बैरिगेट लगाकर रास्ता बंद कर दिया था। संक्रमण की चेन तोड़ने के लिए लोग भी नियमों का पालन कर रहे हैं और अपने घरों में रह रहे हैं। कश्मीर घाटी में 60 साल के बुजुर्ग ने तैयार किया ऑक्सीजन कंसंट्रेटर का प्रोटोटाइप। बांडीपुरा के मोहम्मद इस्माइल मीर का दावा 15,000 में तैयार हो सकता है। ये कंसंट्रेटर कोरोना रोकथाम के लिए टचलेस सैनिटाइजर मशीन वेंटिलेटर बना चुके हैं। अगले आदेश तक दुरंतो समेत 60 ट्रेनें रद्द। कोरोना के कारण रेलवे स्टेशन पर यात्रियों की संख्या काफी कम हो गई है। बाहरी राज्यों से जम्मू आने वाली ट्रेनों में यात्रियों की संख्या भी काफी कम है। ऐसे में रेलवे ने सोमवार से 7 ट्रेनों को निरस्त करने का फैसला लिया है। प्रदेश में कोरोना संक्रमण तेजी से पांव पसार रहा है। जम्मू संभाग की बात की जाए तो जम्मू जिला सबसे अधिक प्रभावित है। वही शहर के आधे हिस्से में अभी तक सैनिटाइजेशन नहीं हुई है। कोविड-19 के चलते पूरे देश में वैक्सीनेशन की प्रक्रिया भी लगातार चलाई जा रही है। मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के आंकड़ों की माने तो अब तक भारत के सभी राज्यों और यूनियन टेरिटरीज में तकरीबन 18 करोड़ वैक्सीन मुफ्त में उपलब्ध करवाई जा चुकी है। उम्मीद है कि जल्द ही हम सभी इस महामारी से चल रही जंग को जीत जाएंगे। लगातार बढ़ रहे कोविड-19 के केसेस को देखते हुए शेर कश्मीर इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस ने फिलहाल के लिए अपनी ओपीडी यानी आउट पेशेंट डिपार्टमेंट सर्विसेज को बंद कर दिया है। वहीं पीआरओ स्कीम्स कुलसुम भट्ट का कहना है कि आपातकालीन सेवाएं जारी रहेंगी। भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान विराट कोहली ने आज पहली वैक्सीनेशन की डोज ली। अपने सोशल अकाउंट से उन्होंने पिक्चर शेयर कर ये जानकारी दी और साथ ही उन्होंने सभी देशवासियों से कहा कि वो भी जल्द से जल्द वैक्सीनेशन का डोज ले ले। टिकरी बॉर्डर पर महिला के साथ रेप। महिला किसान आंदोलन में शामिल होने आई थी। हरियाणा पुलिस ने 6 लोगों के खिलाफ FIR दर्ज भी की। कश्मीरी आवाम की बेहतरी और सुरक्षा के लिए लगातार काम कर रहे कश्मीर यूटी एडमिनिस्ट्रेशन और इंडियन आर्मी के चिनार कॉर्प्स ने मिलकर 2 कोविड केयर सेंटर की स्थापना की है, जिसमें 20 बेड की सुविधाएं होंगी। उनमें से 5 क्रिटिकल केयर और अन्य 15 माइल्ड टू मॉडरेट कोविड पेशेंट्स के लिए होंगी। ये दोनों ही सेंटर्स बारामूला और उड़ी एरिया में बनाए गए हैं। आज श्रीनगर के गांधरबल में आशा वर्कर्स ने किया जोरदार प्रदर्शन। आशा वर्कर्स का कहना है कि उन्हें उनकी तनख्वाह नहीं मिल रही है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि वो दिन रात कोविड के हालातों में भी काम कर रहे हैं। उन्हें मेडिकल टीम की रीढ़ की हड्डी कहा जाता है, फिर भी उनकी सैलरी ना देकर उनका कहना है उनके साथ सौतेली माँ जैसा व्यवहार आखिर क्यों किया जा रहा है।